अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राउन स्टार न्यूज़ HD और मैं हूं मोहम्मद अय्यूब साबिर। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खैरपुर टमवाली से सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू पंजाब प्रेस क्लब का इजलास बानी और चेयरमैन हाजी मोहम्मद इकबाल अरानी नंबर दार की रिहाइशगाह पर मुनाकद हुआ। इजलास का एजेंडा 2023 की तंजीम साजी था। मुतफ़िका तौर पर बाड़ी तश्कील दी गई। इजलास का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसकी सदारत कारी मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी ने हासिल की। ज़ेर निगरानी बानी प्रेस क्लब खैरपुर राना मोहम्मद फारूक, ज़ेर सरपरस्ती सदर प्रेस क्लब खैरपुर मोहम्मद इरफान वसीम बानी और चेयरमैन हाजी मोहम्मद इकबाल अरानी, सदर बिला मुकाबला नदीम खान मुंतखब हुए। सीनियर नायब सदर बख्तियार अहमद खान, नायब सदर महर जफर, नायब सदर हाफिज इशफाक, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मक्की, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी खालिद महमूद खान, फाइनेंस सेक्रेटरी हाफिज अजीज अरानी, सेक्रेटरी इतलात और नशरियात महर साजिद, ऑफिस सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद इमरान, चेयरमैन मजलिस आमला हाजी मोहम्मद कामरान, लीगल एडवाइजर काजी मोहम्मद मुख्तार जताला अरानी एडवोकेट, लीगल एडवाइजर मोहम्मद अहमद चौताई एडवोकेट, लीगल एडवाइजर महर रब नवाज अरानी एडवोकेट, सीनियर मेंबर मोहम्मद फारूक चिश्ती, मेंबर खुदा बख्श बलोच, मेंबर महर मोहम्मद सजाद अरानी, एजाजी मेंबर मोहम्मद हसन मुंशी, एजाजी मेंबर मोहम्मद आबिद भुट्टा और मुंतखब अहतदरान को बानी और चेयरमैन हाजी मोहम्मद इकबाल अरानी नंबरदार ने पुरतकल्लुफ शाया दिया। कारी मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी ने दुआ की और मजीद कहा कि सहाफत एक इबादत है। तमाम दोस्तों को कहा कि सहाफ़ी को बेलोस किरदार अदा करना चाहिए। दुआ है अल्लाह पाक इसे गुलदस्ते को इस्तकामत दे और सहाफ़ियों को एक दूसरे का बाजू बनाना चाहिए। अहम खबरें आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें क्राउन स्टार न्यूज़ HD।